1932 के खतियान पर स्थानीय नीति की मांग को लेकर सियासत जारी है। अब आजसू ने इसको लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। 23 सितंबर से झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में आजसू प्रदर्शन करेगी, साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 1932 के खतियान पर सरकार आगे बढ़ रही है। 1932 के खतियान पर सियासत, आजसू ने किया आंदोलन का ऐलान। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। आजसू ने इसको लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी ने सीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में इस बार राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस बार हम लोग ने निर्णय लिया कि 23 तारीख विनोद बिहारी महतो जयंती के दिन से लगातार 81 विधानसभा के लोग हजारों की तादाद में हर एक विधानसभा एक दिन रांची कूच करेगा। महामहिम तक पदयात्रा कर महामहिम के यहाँ तक पदयात्रा करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हाउस में सरकार के और बाहर भी कमिटमेंट किए हुए वादों को जल्द से जल्द पूरा कराने का दबाव सरकार के ऊपर डालेंगे। 23 सितंबर को आजसू राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन करेगी। वही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का समर्थन किया है, साथ ही कहा है कि जल्द ही इस पर सरकार आगे बढ़ेगी। 1932 सबको मानना चाहिए, जब हम बिहार में थे 1932 पर आवासीय बनता था, अभी क्यों 85 का बनेगा? क्या कारण है? आधार बतावे, हम मान जाएंगे। खतियान किस लिए बना था? एक आदमी दो जगह तीन जगह लाभ क्यों लेगा? यहाँ भी डोमेसाइल के लाभ, बिहार में भी डोमेसाइल के लाभ, ओपी में भी डोमेसाइल के लाभ, ये कैसे होगा? एक जगह लीजिए, यदि बिहार में आपको खतियान है तो क्या रोका है आपको यहाँ? हम तो बार बार बोलते हैं आप यहाँ हैं, भाई बन के रहिए, प्रेम से कमाइए खाइए, मिल के रहिए, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, कहाँ मना किया गया, लेकिन हक में हिस्सा नहीं देंगे। 5 सितंबर को आयोजित एक दिन के विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने को लेकर आगे बढ़ने का ऐलान किया था। आजसू अब इसी घोषणा को आधार बना रही है, साथ ही सरकार से जल्द स्थानीय नीति बनाने की मांग कर रही है। हालांकि राजगठन के बाद अब तक 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर सियासत खूब हुई, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब लोगों को उम्मीद है कि हेमंत है तो हिम्मत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो 1932 के खतियान पर सियासत हो रही है। जगन्नाथ महतो का बयान आपने सुना, आजसू आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहा है। हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अजय लाल का। अजय, 1932 खतियान को लेकर लगातार बयान आते रहे हैं, सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से हमला भी किया गया है, सरकार की तरफ से कहा भी जाता रहा है। जगन्नाथ महतो ने जिस तरह से बयान दिया है उससे लग रहा है कि चीजें अंदर खाने में सब कुछ अब सेट हो चुकी है, अब सिर्फ घोषणा की बारी है। देखिए सारे इस मामले में जगन्नाथ महतो पहली बार 1932 के खतियान की वकालत कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। वो उनसे आप जब कभी भी मिलेंगे और जब कभी भी स्थानीयता की बात करेंगे, उनके मुंह से 1932 के खतियान की बात निकलती रही है। ऑफ द रिकॉर्ड वो कई बार ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो एक विवाद का एक बड़ी वजह बन सकती है। जाहिर सी बात है, स्थानीय नीति बननी चाहिए, राज्य हित में बननी चाहिए, लेकिन इसका आधार क्या हो? आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी लगातार ये कह रहे हैं कि 1932 का खतियान आधार हो, उसके पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोलते रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें असमंजस वाली स्थिति यह है कि क्या सिर्फ स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान होगा? यदि ऐसा होगा तो यह मान कर चलिए कि धनबाद, जमशेदपुर, रांची सहित कई बड़े शहरों के लोग, करीब 80% लोग स्थानीय नहीं रह पाएंगे। देखेंगे जो 1971 में केंद्र की सरकार ने तमाम जो खनन चीजें, खनन जो रहे हैं, कोयले का जो खान रहा है, उसका राष्ट्रीयकरण किया था। उसके पहले ये तमाम खदानें निजी कंपनियों के हवाले थे। उस वक्त बड़ी संख्या में बिहार से
उत्तर प्रदेशों में खनन मजदूरों को लाया गया था। उसी प्रकार से 1952 में सिंदरी का जब खाद कारखाना बना तो उस वक्त भी बड़ी संख्या में बिहार से उत्तर प्रदेश से लोग लाए गए थे काम करने के लिए। जाहिर सी बात है 1932 का आधार यदि बनेगा तो यह मान कर चलिए कि बड़ी संख्या में लोग स्थानीय होने से वंचित हो जाएंगे। तो फिर इसका उपाय क्या है? देखिए, इसी झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि अंतिम सर्वे खातियान का 1984 में भी हुआ। और लातेहार की बात करें, जो जिला है हमारा लातेहार, में अंतिम सर्वे 2011 में हुआ। तो फिर वहां के लोग 1932 का खातियान कहां से लाएंगे, क्या उसका आधार होगा? और इन सबके बीच आपको याद होगा कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के, बिना किसी विवाद के कहा था कि 1932 का खातियान पर यदि स्थानीय नीति बनती है तो इसे अदालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आपको जानकारी होगी, हमारे दर्शकों को जानकारी होगी कि जब सूबे में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे उस समय सिपाही भर्ती की का आवेदन आया था और उस आवेदन में इस बात का जिक्र था कि आप उस आवेदन में 1932 के खातियान का फोटो कॉपी जीरोक्स करके, यानी कि जो हाँ उसको आप नच्छी करके अप्लाई करें। कुछ अभ्यर्थी माननीय हाईकोर्ट चले गए, कहा कि 1932 का खातियान हमारे पास नहीं है, सिपाही बहाली में हम कैसे भरें। उस समय माननीय हाईकोर्ट ने ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, कोई भी व्यक्ति अदालती कार्रवाई से ये चीजें प्राप्त कर सकता है। उस समय माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि आपको स्थानीय नीति बनानी है, 1932 का खातियान का आधार बने, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्थानीय नीति बनाने का इकलौता यही एक शर्त होगा, ऐसा नहीं हो सकता। माननीय हाईकोर्ट ने राहत भी देने की बात कही गई है, हालांकि क्या कुछ सरकार का रुख होता है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अजय, लेकिन आप बने रहिएगा, आपसे दूसरे मसलों पर भी चर्चा जारी रहेगी। तो अजय हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से इस मसले पर सियासत हो रही है और सरकार का क्या कुछ रुख हो सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।